जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि एसिडोसिस की वजह डिक्रीज बाइकार्बन, ठीक है. 14 ईयर ओल्ड बॉय केम फ्रॉम बलूचिस्तान विद पेनफुल लेग्स, अल्सर्स ऑन लेग एंड माइल्ड जॉइंटेस, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस. अच्छा हाँ जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. बलूचिस्तान से सिख बंदा आया, सिकल सेल एनीमिया वाला. ये उसका वो उसमें वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस और उसके वो जो चार स्टेजेस हैं पूरी, वो पेनफुल लेग्स, अल्सर्स, लेग माइल्ड जॉइंटस, ये वो, ठीक है. और बलूचिस्तान से आ रहा है तो सिकल सेल एनीमिया होगा. अच्छा सर, क्यूटेनियस लीशमेनाइसिस के साथ इसको कैसे वो करेंगे, काला आजार जो है? काला आजार, काला आजार, हाँ जी बिल्कुल सही है. काला आजार में क्या इसने हिस्ट्री दी होगी सर? उसमें तो सर काला मतलब किसी ने बाइट किया है, मतलब जी किसी ने क्या किया सर? फ्लोर पे उसके सोने की हिस्ट्री थी और वो ना मतलब उसमें मॉस्किटो शायद, आई थिंक सो, स्टेटमेंट नहीं याद इस तरह की आगे से फिर वो होती है सर, फौजी होता है, ठीक है. उसकी उन्होंने कहीं पे पोस्टिंग रखी होती है कि वो वहां पे काम करता रहा इतने इतना टाइम और वहां पे जो है वो फ्लोर पे उसको सोना पड़ा, ठीक है, इस तरह करके उसको कोई चीज काटी थी, उसके बाद उसको ये सारे मसले हुए, तो उसमें बाइट हिस्ट्री उसने दी थी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बाइट दी हुई थी और फ्लोर पे सोने वाली फ्लोर स्लिपिंग की हिस्ट्री दी थी, वो उसमें ये था. अच्छा बहरहाल अगला एमसीक्यू जो है ना, ये जनाब ये सिर्फ और सिर्फ वो जवाब दे सकेगा जिसको इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है. थैलेसीमिया मेजर है. अच्छा हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, ठीक है. बहुत ही आसान लफ्जों में, ठीक है, थैलेसीमिया अपनी ये ना इसको पेपर तक क्रोनिक हीमोलिसिस की वजह से हो रहा होता है. हाँ जी, अभी ये जो मैं चीज बताने लगा ना, इसको आपने सिर्फ पेपर के लिए नहीं करना, इसको अपनी अपना आप डॉक्टर हो ना तो इस चीज का आपको इतना पता होना चाहिए कि आप आवाम को, आम लोगों को इस चीज के बारे में आगाही दे सको, ठीक है, कि जब ये कजन मैरिजेज होती हैं या शादियां हो रही होती हैं या आपकी फैमिली में कोई हो रही होती है तो उन्हें कहना है कि शादी से पहले एक सीबीसी, यार सीबीसी पे कितना टाइम लगता है, 800 रुपए लगेंगे ना सीबीसी पे, और कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा. सीबीसी एक जरूर करवानी है, ठीक है, जहां पे ये कजन मैरिजेज हो रही होती हैं या कुछ, तो उसमें सीबीसी में बच्चों क्या देखना है, ठीक है, ये मैं इस प्लीज थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ जस्ट फॉर नाउ, कि इसलिए कि ये आप डॉक्टर हो तो सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है. सीबीसी में बेसिकली क्या देखना होता है, जो सीबीसी होती है ना सीबीसी, उसमें आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है ना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनिमिया नजर आएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनिमिया और एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है, माइक्रोसाइटिक पिक्चर आएगी, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक पिक्चर आएगी और एनिसोसाइटोसिस, ठीक है, और ये जो है ना ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो है ना थैलेसीमिया मेजर विद रेज्ड एचबीएफ जो है वो हो जाने का खदशा है. अब बेसिकली थैलेसीमिया है क्या, ये तो बात थी कि शादी से पहले जो है वो हीमोग्लोबिन या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लें, इन दोनों में से कुछ ना कुछ उन्हें शादी से पहले करवाना चाहिए. और व्हाट इज थैलेसीमिया, मैं सिर्फ आपका एक मिनट लूंगा. थैलेसीमिया बेसिकली क्या होता है कि ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो है बॉडी अब नॉर्मल फॉर्म या इनएडिक्वेट फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म या इनएडिक्वेट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनाती है, या तो अब नॉर्मल बना रही है या इनएडिक्वेट बना रही है, यह है ही कम. अच्छा हाउ सर, कैसे बना रही है? थैलेसीमिया होता है अल्फा बीटा, अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया. अच्छा अल्फा थैलेसीमिया में जीन डिलीशन होती है, अल्फा थैलेसीमिया में जीन डिलीशन होती है और बीटा थैलेसीमिया में पॉइंट म्यूटेशन इज ग्रेटर देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है. अल्फा में जीन डिलीट हो जाती है पूरी. अच्छा
मैंने आपको एक याद करवाई थी चीज, जी अम्मा गैमा गैमा, फीटल लाइफ में कौन सी चेन होती है हीमोग्लोबिन में, जी अम्मा, एमसीक्यू याद आया पुराना, जी अम्मा गैमा, ठीक है, जी अम्मा गैमा, मैंने कहा था फीटस जो है वो माँ के बड़े करीब होते हैं, तो जी अम्मा गैमा, ठीक है, तो अल्फा टू गैमा टू, अल्फा टू गैमा टू, और जो अडल्ट्स होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें होती है अल्फा टू बीटा टू, अल्फा टू बीटा टू, जो गैमा चेन है ना वो अडल्ट लाइफ में रिप्लेस हो जाती है, जो गैमा चेन है जी अम्मा चेन है, गैमा नहीं, जो जी अम्मा चेन है वो अडल्ट लाइफ में रिप्लेस हो जाती है बीटा टू, सर कितनी देर बाद, सम बुक से 30 वीक्स जो होते हैं ना, 30 वीक्स, ठीक है, उसके बाद सम बुक से के अराउंड, या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 6 से 7 महीने बाद ना वो चेंज हो जाती है उसमें बीटा चेन में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सर, उसके बाद क्या होता है कि जो होता है ना आपके पास जो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट आएगा, ठीक है, उसमें मेजर बेसिकली क्यों है कि अल्फा, देखो अल्फा दोनों में है, अल्फा जो है वो अल्फा थैलेसीमिया में भी है, बीटा थैलेसीमिया चेन जो अल्फा चेन है, ठीक है, तो अल्फा चेन वाली जो चीज है वो दोनों में होती है, जो डिफरेंस है वो गैमा और बीटा में आता है, गैमा और बीटा में आता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया मेजर का जो पेशेंट होगा वो रेज्ड एचबीएफ और स्वियर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक पिक्चर के साथ आएगा। अच्छा, और एक्सरे के ऊपर इसमें ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल सही बात है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी जो एरिथ्रोपोइसिस है वो होना शुरू हो जाती है, बिकॉज देर इज अबनॉर्मेलिटी इन जीन। जब अबनॉर्मेलिटी इन जीन होगी तो जो नॉर्मल जगह है उससे हट के भी एरिथ्रोपोइसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से एक्सरे के ऊपर, बच्चों यहाँ पे उसने हेयर ऑन एंड अपीयरेंस लिखा है ना, एक लफ्ज यूज होता है, प्लीज मार्क या लिख लो, क्रियू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे, ठीक है, क्रियू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे आता है उसके, क्रियू कट जो है वो जस्ट लाइक इस तरह होता है जैसे एक बाल है, जैसे एक बाल पड़ा हुआ है, उस तरह का जो है ना वो अपीयरेंस आती है, और इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन देनी होती है, ठीक है। और इसके साथ हम चिलेशन क्यों करते हैं कि जब आप बार बार ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आयरन ओवरलोड को रोकने के लिए चिलेशन करते हैं, ठीक है। और स्प्लीन और लीवर इनलार्ज हुए होते हैं, स्प्लीन और लीवर इनलार्ज क्यों हुए होते हैं, ठीक है, इसी एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस की वजह से स्प्लीन और लीवर भी इनलार्ज हुए होते हैं, ठीक है। आई जस्ट होप कि मैंने 1 से 2 मिनट में आपको थैलेसीमिया जो है ना वो सारा पढ़ा दिया है। थैलेसीमिया अब आपको कम अज कम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेगा कि थैलेसीमिया क्या था और क्यों था और किस तरह था, ठीक है, और इसमें एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो शादी से पहले होनी चाहिए। अजान हो ले बच्चों, अजान हो ले, अजान इधर स्टार्ट हो गई है, अजान हो ले, बस ये पेपर एक